अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पर्स। और जनाब, आईपीएल का मेला सज चुका है ग्राउंड्स की और आपकी और मेरी टीवी स्क्रीन्स की रौनक बन चुका है। हजारों की तादाद में लोग ग्राउंड्स में तो ये मैचेस एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा तादाद में लोग ये मैचेस अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। सो बड़ा जबरदस्त तरीके से इस लीग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और बीइंग पाकिस्तानी, जब मैं पीएसएल और आईपीएल को देखती हूँ, क्योंकि अब बाज लोग कहेंगे कि भाई पीएसएल आईपीएल का क्या मुकाबला है, मुकाबला बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आप एक लीग को इतना फॉलो कर रहे हो और वो आपकी अपनी लीग है, तो आप ऑटोमेटिकली उसका कंपेरिजन करते हो दूसरी लीग से, और एक ऐसी लीग जो कि बिल्कुल आपके नेबरिंग कंट्री में हो रही है। सो आईपीएल और पीएसएल की बात करें तो ज्यादा लंबी तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है। पीएसएल इज लाइक दैट कि लाइट गई हुई है और आप एक कमरे में एक कैंडल के साथ बैठे हुए हो, और आईपीएल इज लाइक दैट कि लाइट आ जाती है एकदम से। सो इसी तरह की क्रिकेट आईपीएल में भी हम देख रहे हैं कि पैसा तो है, बिल्कुल पैसा है, लेकिन उसको किस तरह से रैशनली यूज किया जा रहा है, उसको इंटेलिजेंट वे में किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, ये बिल्कुल आईपीएल से सीखने की जरूरत है। बड़े बड़े नाम है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, जबरदस्त मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, और यही वजह है कि आईपीएल जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे हर नए आने वाले सीजन में, ऐसे वो लगता है कि आईपीएल मजीद दो कदम चार कदम आगे बढ़ रही है। और ना सिर्फ आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड क्रिकेट है उस पर भी असरअंदाज हो रही है। लाइक जो नए नए रूल्स हम देख रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने देखा कि वाइट बॉल और नो बॉल हो गई, इसके ऊपर आप रिव्यू ले सकते हैं। आज एसआरएच ने एक रिव्यू लिया भी और वाइट बॉल के ऊपर, और फिर पता चला कि वो रिव्यू बिल्कुल फायदेमंद साबित हुआ, वो वाइड नहीं थी। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, लाइक एक ओवर के अंदर आप दो बाउंसर करवा सकते हैं, या ये जो डायरेक्ट रिव्यू का सिस्टम आ गया है, सो ये जो चीजें हैं ये गेम को मजीद कॉम्पिटिटिव बना रही हैं। जब इससे ये पता चलता है कि लाइक एक एक रन जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है आपके लिए। सो बड़े जबरदस्त मैचेस हम देख रहे हैं। दो मैचेस देखे सैटरडे को, हमने डबल हेडर था और दोनों ही मैचेस क्या कमाल के थे। अगर हम सैटरडे की बात करें तो ये इंडियन क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल दिन है। कैसे है इस पर बात करेंगे, इन दोनों मैचेस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जनाब, जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने कहा है कि जी मेरिट को बिल्कुल अहमियत दी जानी चाहिए है, वहाब रियाज से और जो दीगर मैनेजमेंट कमेटी है, जो दीगर लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है, उसके अंदर उस्मान वाला भी थे, वहाब रियाज भी थे, कामरान अकमल थे, दीगर लोग थे, क्या उन्होंने कहा है। और इसके अलावा वो जो हमें फील हो रहा था कि ऐसा होने वाला है तो फाइनली हो गया, इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है। इस हवाले से बात करेंगे कि जो रिटायरमेंट वापस ली है ये किस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट पर असरअंदाज होगी। और इसके अलावा जो उस्मान खान है, जो कि अगेन है तो पाकिस्तानी, लेकिन वो डिसहार्ट होके यूएई चले गए थे, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर मुझे पाकिस्तान से खेलने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल खेलूंगा, तो इस खबर पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनाब आईपीएल से, और आईपीएल को जो सैटरडे को पहला मैच खेला गया, पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल, इस मैच से बात का आगाज करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त मैच था, एक और ग्राउंड का इजाफा हो गया है जनाब, और उस ग्राउंड पर मेरे ख्याल से मुल्लनपुर नाम है ग्राउंड का, सो वहां पर ये डेब्यू, उस ग्राउंड का डेब्यू आईपीएल का मैच हुआ। और जो स्टेडियम था उसका बड़ा अच्छा माहौल था, एवरीथिंग वाज रेड, और पंजाब किंग्स का वो ऑफ कोर्स होम ग्राउंड, तो वहां पे पता चल रहा था कि पंजाब किंग की फुल सपोर्ट थी, और उस फुल सपोर्ट वाले ग्राउंड में उन्होंने जीत हासिल की। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, और जब हमें एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि पंजाब किंग्स आसानी से इसे जीत लेगी, पहले ऐसे को लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स तो मुश्किल से कोई 150 बना ले, बड़ी बात है, लेकिन फिर वो 174, और फिर वो जिस तरह से पंजाब किंग्स ने ये जो मैच है वो बिल्कुल आखिरी ओवर में जाके लास्ट बॉल पे जीता, तो बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ और देखने का मजा आया। जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, प्रीति जिंटा वहां पे मौजूद थी, पंजाब किंग्स उनकी टीम है, सो वो एक ट्रेडिशनल पंजाब का जो ड्रेस है, शलवार कमीज विद दुपट्टा, उसके अंदर, एंड एवरीथिंग वाज रेड, और जो पंजाबी भंगड़ा म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक प्ले हो रहा था, और जो स्पेक्टेटर्स थे देवर ऑल रेड, जो डीसी है उसके स्पेक्टेटर भी थोड़ी थोड़ी तादाद में कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऑफकोर्स जो पंजाब किंग के स्पेक्टेटर्स हैं
वो डोमिनेट कर रहे थे और वो सारे सरदार जी आए हुए थे विद देयर गॉर्जियस पग्स. सो बड़ा मजा आया ये मैच देखने का. और अगर इस हम मैच की बात करें तो आज के मैच की जो मेरे लिए खास बात थी ना इस मैच की, वो थे ऋषभ पंत के, ऋषभ पंत का ये कमबैक मैच. अच्छा, आईपीएल के हम जितने मैचेस की अभी तक बात करें तो हर मैच में कुछ ना कुछ जो है ना सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग है. सीएसके का जो मैच था उसके अंदर जो धोनी है उनको देखना था और फिर वो धोनी ने किस तरह से वो जो कैप्टेंसी है वो ऋतुराज को दे दी. और फिर कोहली को इतने दिनों बाद खेलते हुए देखने की एक्साइटमेंट थी. और अगर फिर इस मैच की बात करें तो जी ऋषभ पंत का कमबैक. फिर अगर आप एसआरएच वाले मैच की बात करते हैं वर्सेस केकेआर, उसके अंदर ये एक्साइटमेंट थी कि पैट कमिंस कैसी कैप्टनसी करेंगे और जो रेणुका सिंह हैं वो क्या कमाल जगाएंगे. और अब जो मुंबई इंडियंस का मैच होना है तो उसमें अब वो जो एक हार्दिक पांड्या और जो रोहित शर्मा है वो साथ कैसे चलते हैं, हाउ दे विल गो अलोंग इन द मैच. और फिर गुजरात टाइटंस के नए कैप्टन शुभमन गिल कैसा होगा. सो बड़ी एक्साइटमेंट है इस दफा आईपीएल के अंदर. तो जी इस मैच की बात करें तो जो सबसे पहले जो पिच है ना, मुझे ऐसे वो लगा पिच वॉज नॉट डैट ईजी. ये पिच बिल्कुल इस तरह की नहीं थी कि जिस तरह की दूसरे मैच की थी, केकेआर और वर्सेस एसआरएच वाले मैच की. इसमें बॉल इतनी आसानी से नहीं आ रहा था, मुश्किल हो रही थी. लेकिन उसके बावजूद जो डेविड वार्नर है उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया पहले ओपनर के साथ. और फिर शायद होप वो लाहौर कलंदर से भी खेलते रहे हैं, वहां पे भी वो काफी अफेक्टिव हुए थे. और यहां पे भी उन्होंने डेविड वार्नर के साथ मिलकर मेरे ख्याल से 30+ रन की पार्टनरशिप की. सब कुछ स्मूथली चल रहा था. और फिर उसके बाद हमने देखा कि ऋषभ पंत आते हैं. और ऋषभ पंत की जो स्टोरी है ना, आप देखें ऋषभ पंत की बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है. अप्स एंड डाउन्स हर एक की लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में. कभी कभी ऐसे वो लगता है कि नाउ देयर इज अ फुल स्टॉप, इससे आगे कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है. सो ऋषभ पंत ऑल्सो गोन थ्रू सच अ टेरिबल एक्सीडेंट, लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट. ये एक ऐसा लम्हा था उनकी जिंदगी का जब ये भी कहा जा रहा था कि शायद उनको एम्प्यूटेशन के प्रोसेस से ना गुजरना पड़े. लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने रिकवर किया, वो हील अप उन्होंने वो जिस प्रोसेस से हुए, फिर चलना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया. और फिर वो जिस तरह से मैच फिट हुए, आईपीएल के पहले तक ये कहा जा रहा था कि शायद ऋषभ पंत से विकेट कीपिंग नहीं करवाई जाएगी, शायद कैप्टनसी ना करवाई जाए. लेकिन हमने देखा कि उन्होंने कैप्टनसी भी की और बैटिंग भी की और विकेट कीपिंग भी की और बड़ी जबरदस्त की. सो ऋषभ पंत एक, ये जो 14 मंथ का टाइम पीरियड है ये यकीनन उनके लिए आसान नहीं होगा. वो बहुत सी चीज़ों से गुजरे होंगे, मेंटल प्रेशर से. और वो जो आप फिजिकली फिट नहीं होते हो, बट जब आप जो मेंटली स्ट्रांग होते हो, आपके अंदर विल होती है कि आपने कुछ करना है, मुल्क को फिर से रिप्रेजेंट करना है. सो ये जो यकीनन उनकी विल है ये बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी उनको रिकवर करने में और जहां पे वो खड़े हुए हैं वहां पे उन्हें पहुंचाने में. सो ऋषभ पंत वॉज अ बिट रस्टी, वो अपनी 100% फॉर्म में नहीं दिखाई दिए. कुछ वो जो एक स्लॉग शॉट था जिसके ऊपर वो लकी रहे कि हर्षद पटेल से उनका कैच ड्रॉप हो गया, वरना मेरे ख्याल से 3 या 4 रन उन्होंने बनाए हुए थे. लेकिन वो जिस तरह से रिवर्स स्वीप शॉट खेल रहे थे, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव पे उन्होंने खेलने की कोशिश की. सो उससे ये पता चला कि ही इज फिजिकली फिट. और जब आप फिजिकली फिट हैं तो इसका मतलब फॉर्म तो आती जाती रहती है फिर. और जब आप एक इतने बड़े इंसिडेंट से और इतनी बड़ी चीज से वापस आते हैं, कम बैक करते हैं किसी भी बीमारी से, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है. हम नसीम शाह को शुरू में देख रहे थे कि पीएसएल में वो उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे शुरू के मैचेस में, लेकिन फिर उन्होंने कम बैक किया एंड ही डिड वेरी वेल. सो इस तरह से ऋषभ पंत भी यकीन है अपनी 100% फॉर्म में वापस आ जाएंगे. विकेट कीपिंग भी उन्होंने अच्छी की, कैप्टनसी भी अच्छी की. और अगर हम इनिंग की बात करें डीसी की, तो पिच मुश्किल थी और बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई पंजाब किंग्स की जानिब से. सो बस वो लगा कि बस भाई अब तो ये विकेट्स भी गिर रही हैं और 147-145 उन्होंने बना लिए थे कि और कुछ रन ऐड हो जाएंगे. लेकिन भाई यहाँ पे तारीफ बनती है बिल्कुल जनाब अभिषेक पोरेल की, कि जिन्होंने 10 गेंदों में आप देखें 32 रन बनाए 320 के स्ट्राइक रेट के साथ, आखिरी ओवर में 25 रन बनाए. मतलब वो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है इसके अंदर. अच्छा, ये जो शॉर्ट बॉल्स करना शुरू किए हैं, कल भी हमने देखा था कि शिवम दुबे को भी जो अजारी जोसेफ है वो शॉर्ट बॉल्स करवा रहे थे और फिर वो प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, बैटरों ने खेलना शुरू कर देता है. और यही जो गलती है ये इनके खिलाफ भी हो रही थी और उन्होंने फिर इसका भरपूर तरीके से इसको यूटिलाइज भी किया और 25 रन बनाए. और अपनी जो टीम का स्कोर है वो उसको जनाब 149 से 174 पे लेके गए.
और एक अच्छा फाइटिंग टोटल यहाँ पे पुट किया। और जब पंजाब किंग्स ने स्टार्ट किया तो उनका स्टार्ट ही बड़ा अच्छा था। पहली ओवर में मेरे ख्याल से उन्होंने 2 चौके भी लगा दिए, 17 रन भी बना लिए, तो इट वॉज वेरी गुड। फिर हमने देखा कि 42 पे मेरे ख्याल से या 40 पे 2 विकेटें उनकी गिर गई, लेकिन उसके बावजूद दे वर डूइंग वेरी वेल। लेकिन फिर विकेट्स गिरी और रन बॉल पे आ गए थे। लेकिन जो मैच था वो इंटरेस्टिंग तब हुआ जब खलील ने यहाँ पे भाई वो जो ओवर किया, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, वरना लिविंगस्टोन ने तो मैच का बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना साइड पे लगा के रख दिया था। तो तब ऐसे वो लगा, जब अपनी हैट्रिक बॉल कर रहे थे वो डॉट बॉल हुई और उसके बाद वो जो एडम मैक्रम ने कैच पकड़ा और वो पकड़ लिया था बरार का कैच, लेकिन वो फिर पता चला कि वो कैच नहीं है, उनकी फिंगर्स जो थी वो जो बॉल थी वो पहले टच हो गई थी फिंगर्स पे, बाद में बॉल आई। तो वो एक उनकी जो एफर्ट है ना उस पर यकीनन उनकी तारीफ बनती है कि ये जो PSL नॉट द PSL IPL के अंदर जो फील्डिंग के कि ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं जिस किस्म की हो रही है वो बड़ी अच्छी है। नो डाउट कैच कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, आज चक्रवर्ती से भी हो गया और उसके बाद ऋषभ पंत से एक चांस आया हो गया, हर्षल पटेल से हो गया, लेकिन जो इसके बावजूद जो फील्डिंग की जा रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा चांस था कि अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद कुछ रिजल्ट अलग आ सकता था, क्योंकि प्रेशर आ गया था। ग्राउंड में भी पंजाब किंग्स के जो फैंस हैं वो एकदम साइलेंट हो गए थे और वो पता चल रहा था कि टीम प्रेशर में आ गई है, लेकिन फिर वो जो लिविंगस्टोन है उन्होंने आके छक्का लगा दिया और जो टीम है वो मैच जीत गई। ऋषभ पंत यहाँ पे कह रहे थे कि वो जो बॉलर है उनके, मेरे ख्याल से उनका ईशान नाम है, ईशान शर्मा, वो अगर अनफिट नहीं होते वो सारे ओवर करवा देते थे, बिकॉज ही इज द पर्सन की जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिया था, 2 विकेटें ली थी एक ही ओवर में, तो शायद कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ होती। लेकिन मेरा ये मानना है कि पंजाब किंग्स आज बहुत अच्छा खेल रही थी, इट वॉज टू गुड। हाँ, मैच को कम्पेटिटिव बना दिया DC ने, लेकिन जीत इतनी आसान उनकी नहीं होनी थी। सो अपने होम ग्राउंड पे जीत से अपने सफर का आगाज कर दिया जनाब पंजाब किंग्स ने। और जब हम दूसरे मैच की बात करते हैं तो वो भी एक और ज़बरदस्त और एक एक्साइटिंग मैच हमने देखा कि जिसका फैसला आखिरी बॉल पर हुआ। तो जनाब अब बात करते हैं सैटरडे को जो दूसरा मैच खेला गया SRH वर्सेस KKR। लेकिन उससे पहले मैं करेक्शन करना चाहूंगी, तस्दीक करना चाहूंगी, जब आप ज्यादा क्रिकेट देख रहे होते हैं ना तो कुछ इस तरह का मिक्सअप हो जाता है, सो आई मिक्स्ड अप द थिंग्स कि ये जो पहले मैंने भी की कहा कि वो जो कैच है वो जो मैंने क्लास एडम मार्कम को मैं वहां पर ले आई, तो वो डेविड वार्नर से कैच ड्रॉप हुआ था भाई, और वो जो टीम के कैप्टन है उनसे ही वो कैच ड्रॉप हो गया था, बरार का जो कैच ड्रॉप हुआ था। सो ये वाला जो एडम मैक्रम वाला कैच है ये वाला तो वो जो पोलार्ड का था वो उनसे इस तरह से कैच ड्रॉप हुआ था। चले खैर, मुझे याद आया, मैंने कहा मैं करेक्शन कर दूँ, इतना बड़ा गबल्ला वीडियो में अभी चला जाता, बाद में मैं सर पकड़ के बैठी होती कि ये क्या बोला है। चलें जी, टाइमली हमने इसकी करेक्शन कर दी है, वैसे मैं मेंशन भी कर दूंगी उस पार्ट में। सो जी, इस मैच की हम बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हमने देखा, एक बड़ा टारगेट बना, ग्राउंड बड़ा अच्छा था, बैटिंग विकेट थी। और जब शुरू में यहाँ पे KKR की विकेट्स गिर रही थी, फिल सॉल्ट ने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन सुनील की हम बात करें या फिर हम श्रियास अय्यर की बात करें तो वो कुछ इतना अच्छा नहीं कर सके। तो मैं ये सोच रही थी कि इनसे क्यों नहीं खेला जा रहा है, क्योंकि विकेट तो बड़ी अच्छी है, फिल सॉल्ट उस पर बड़ा अच्छा खेल रहे थे। और फिल सॉल्ट ने फिर इस मैच के अंदर हमने देखा कि एक जो आज उनको खिलाया गया 54 रन उन्होंने बनाए इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली, और जब विकेट्स गिर रही थी तो फिर उन्होंने जो रमनदीप सिंह हैं उनके साथ मिलके 54 रन की पार्टनरशिप बनाई, वहां पे से टीम को कुशन मिला। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो स्कोर है ये 200 क्रॉस कर जाएगा। सो वो जब वो क्या कहते हैं ना कि वो जो मैजिक लेके आए आंद्रे रसल और रिंकू सिंह, अच्छा मैं इंतजार भी कर रही थी कि रिंकू सिंह और आंद्रे रसल आएंगे तो क्या इन्हें खेलेंगे, उनकी बारी आएगी या नहीं आएगी, तो बिल्कुल आई जनाब, एंड दे जस्ट टर्न द टेबल्स, बिल्कुल मैच का पांसा पलट के रख दिया आंद्रे रसल ने। क्या जबरदस्त इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है, और नंबर 7 नंबर 8 के प्लेयर से आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इससे ज्यादा आपको क्या करके देंगे। आंद्रे रसल की यहाँ पे बात करें और रिंकू सिंह की, तो 81 रन्स इन दोनों ने मिलकर जोड़े, और उसके अंदर जो 62 रन है वो आंद्रे रसल के हैं। रिंकू सिंह ने बड़ा जबरदस्त उनका साथ दिया जब वो स्ट्राइक पे थे, और आंद्रे रसल ने यहाँ पे जो मैजिक जगाया अपना, आप देखें 64 रन उन्होंने 256 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, और रिंकू सिंह ने जो 23 रन बनाए हैं वो भी 150 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। सो बड़ा समझदारी से रिंकू सिंह ने आंद्रे रसल के साथ खेला,
फिर वही वाला मामला हुआ जो इससे पहले मैंने बयान कर दिया कि दो छक्के और फिर वो जो एडम मैक्रम है उनसे वो जो फिंगर्स ले वो लगी और वो कैच ड्रॉप हो गया. सो एक्चुअली ड्रॉप नहीं हुआ, वो कैच कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि फिंगर्स बाद में आई और वो जो गेंद है वो पहले ग्राउंड पर टच हो गई. हालांकि जो विजुअल है वो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी बहरहाल जो एक जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो बैटर को दिया जाता है तो उनको दिया गया. और इस तरह से 200 एंड प्लस किए यहाँ पे जनाब KKR ने और पूरा ग्राउंड KKR की सपोर्ट में था. शाहरुख खान भी आए हुए थे वैसे. एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग के ये आंद्रे रसल हैं, ये रिंकू सिंह हैं, ये पुराल हैं और या ये क्लासन है कि जिन लोगों ने इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है. खास तौर पर अगर मैं यहाँ पे मिडल ओवर की बात करूँ तो ये जो 6-7-8 या 5-6-7 हमारा जो नंबर है यहाँ पे जो हमारे पास इन नंबर्स पे खिलाड़ी आते हैं लाइक इफ्तिखार अहमद हो गए, शादाब हो गए, नवाज हो गए, मैं रैंडमली नाम वो ले रही हूँ जो टीम का रिसेंट हिस्सा रहे हैं या होंगे, इमाद वसीम हो गए या फिर खुशदिल शाह हो गए, आसिफ अली हो गए. ये जो खिलाड़ी हैं ये हमें जब खेल रहे होते हैं इनकी पावर हिटिंग हमें दिखाई पता नहीं क्यों नहीं देती है. सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार अहमद हैं जो अगर चल जाएं तो चल जाते हैं, वरना अदरवाइज ये सारे के सारे फेलियर हैं. और जब इस मामले में बात की जाती है टीम की मैनेजमेंट से लाइक सकलैन मुश्ताक से बात की गई, मोहम्मद यूसुफ से, रमीज राजा से या जो भी टीम के साथ होते हैं, तो वो ये हमें कहा गया कि भाई इम्पैक्टफुल इनिंग है, यानी जो नाकाम इनिंग है उसको इम्पैक्टफुल इनिंग का नाम दे दिया गया. एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आज पता नहीं सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, मोहम्मद यूसुफ या जो दीगर जो मैनेजमेंट के लोग थे वो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम वो देख रहे हो तो उनको पता चले कि भाई ये है इम्पैक्टफुल इनिंग जो कि आपके स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे. जो रन आपके स्कोर बोर्ड पर ना दिखाई दें तो दिल में अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता. अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है कि जो आपको इनाम मिलेगा ना वो आपके अमाल पे मिलेगा. तो जब आप दिल में खाली अच्छा सोच के बैठे हुए हैं भाई वही बात है कि जो रन है वो आपको दिखाई नहीं वो दे रहे, दिमाग के अंदर है आपके, वो बल्ले से निकल नहीं पा रहे हैं तो उन रन्स का फायदा नहीं होता. तो आंद्रे रसल को यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने हेल्प आउट किया अपनी टीम का और 208 पे स्कोर को लेके गए, दैट वॉज मार्वलस. और जिस तरह से फिर उसके बाद SRH ने स्टार्ट किया वो बड़ा अच्छा था. यहाँ पे हम मयंक अग्रवाल को देखें, अभिषेक शर्मा को देखें, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया और जो रन रेट रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से चल रहे थे, बल्कि एक वक्त में तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल रहे थे. लेकिन फिर विकटें गिरना शुरू हुई और मुझे लगा कि बस अब तो मैच जो है ना वो वन साइडेड हो गया. लेकिन फिर क्लासन आया, उन्होंने कहा कि भाई मैं आंद्रे रसल से थोड़ा बदला चुका हूँ और मैच इतना ज़बरदस्त हो गया कि वो बिल्कुल लास्ट बॉल पे फिनिश हुआ. एंड कहीं मुझे वो लग रहा था कि शायद अब पैट कमिंस आएंगे और ये कोई छक्का लगा देंगे, या इवन ये भी मैं सोची थी कि शायद हम सुपर ओवर देख लें. लेकिन बहरहाल ये बड़ा क्लोज मैच था जो कि यहाँ पे KKR ने अपने होम ग्राउंड में जनाब 4 रन से जीत लिया. तो जितने भी मैच अभी तक 3 मैचेस के खेले गए हैं तमाम टीम्स ने अपने होम ग्राउंड पे जीत का सफर का आगाज किया है और जो अपने फैंस हैं उनको खुशी पहुंचाई है. तो ये जो खुशियां हैं और ये जो ज़बरदस्त मैचेस हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, इसी तरह से जारी रहे और हम इसे इसी तरह से इंजॉय करते रहें. बस एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं ये सोच रही थी कि जो खासतौर पर जो डेथ ओवर्स होते हैं उसके अंदर उस क्वालिटी की बॉलिंग नहीं मुझे देखने को मिली अभी तक. अगर मैं आज के मैच की ये SRH का जो लास्ट ओवर है उसे निकाल दूँ, हम देख रहे थे कि वो जो बॉलर्स थे वो मैच बचा नहीं पा रहे थे या फिर उनको बड़े ज़्यादा रन हो जाते थे. लेकिन भाई जनाब ये जो हर्षित राणा ने लास्ट ओवर किया है, जबरदस्त 2 विकेटें ली, वरना उससे पहले हम देश पांडे को देख लें कल के मैच में, जारी जोसेफ को देख लें, या आज या जो सैटरडे को जो पहला मैच हुआ पंजाब किंग का, हर्षल पटेल को देख लें जो पुराल ने उनकी पिटाई की, या उसके बाद जो पंजाब किंग्स ने लास्ट ओवर में वो जिस तरह से टारगेट अचीव किया, तो वो जो डेथ ओवर के अंदर जो बॉलिंग कभी हारी सरूफ किया करते थे या जमान खान ने लास्ट सीजन में की थी वो देखने को नहीं मिल रही थी. लेकिन जनाब आज जो फिर हर्षद राणा ने जबरदस्त लास्ट ओवर किया है वो यकीनन काबिले तहसीन है, क्योंकि लास्ट ओवर में आप पे प्रेशर बड़ा होता है, उस प्रेशर के अंदर बॉलिंग करना और मैच को बचाना यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है और हर्षद राणा की यहाँ पे तारीफ बनती है भाई. तो जी ये तो कुछ IPL की बात थी, अब हम बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट की. सो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है जी मेरिट पे फैसले होंगे और वहाब रियाज को जो है वो चीफ सिलेक्टर हैं, वो उसके हेड है और उनकी जो टीम के अंदर मेरे ख्याल से वजातुल्ला वास्ती शामिल हैं, तौसीफ अहमद शामिल हैं और कामरान अकमल भी शामिल हैं. जो मेन मीटिंग है कामरान अकमल ने भी अटेंड की थी,
लेकिन ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अब फैसले मेरिट पे होने चाहिए और ये जो मेरिट का जो फ्लैग है उन्होंने जिसके हाथ में दिया है, क्या वो मेरिट पे है? क्या वो हाबड़ियास मेरिट पे है? क्या वो चीफ सिलेक्टर का जो ओहदा है उसे वो डिजर्व करते हैं? अगर हम वहाब रियाज को यहाँ पे देखें तो वहाब रियाज अभी रिसेंट के जितने खिलाड़ी हैं उनके साथ खेल चुके हैं, टीम का हिस्सा रह चुके हैं। दिसंबर 2020 तक वो पाकिस्तान से खेलते रहे हैं, 2023 की PSL उन्होंने खेली है। सो ये बाबर आजम, इमाद, वसीम, रिजवान इन सबके साथ खेले हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आ जाता है। सो वहाब रियाज क्या खुद मेरिट पे फैसले कर पाएंगे और क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑल इन ऑल कहीं वही हो जाएंगे? खैर इन सब बातों का हमें फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन वहाब रियाज इस जॉब को बिल्कुल भी मेरे ख्याल से वो इसको सूट नहीं करते, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है ये वकार यूनस हो गए या इवन जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इनको जब जिन खिलाड़ियों के साथ ये खेले थे इनको जब इन्हें हेड करना पड़ा तो कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आए। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए था कि जिसका एक्सपीरियंस होता, जो टीम को सही से लीड कर सकता, एक न्यूट्रल इंसान होता, क्योंकि जब आपने खेला हुआ होता है जिनके साथ, उनके साथ आप न्यूट्रल वैसे रह नहीं सकते हो, जब उनके साथ आपकी दोस्ती यारी भी रही है, आप खेले हुए भी हो। तो जी बहरहाल ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। और जी मैडी, इमाद वसीम के जो काफ़ी फैंस हैं वो काफ़ी खुश होंगे कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली, और उनकी डिस्कशन तो वहाब रियाज से चली रही थी और उन्होंने कहा वो पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, वर्ल्ड कप खेलेंगे और ये जो बूट कैंप है उसका भी हिस्सा उन्हें बना दिया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि अब इमाद वसीम अब आएंगे तो क्या सोच के उनकी वापसी हो रही है, क्योंकि एक तो ये कि वो नई बॉल अच्छी करते हैं, इससे पहले वो PSL के मैचेस में अच्छा नहीं खेला, बस लास्ट के 3 मैचेस थे जो बड़े ज़रूरी थे वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस आ गई। अब अगर वो वर्ल्ड कप खेलते हैं और पता चले कि जो मेन मैचेस हैं या ज़्यादातर मैचेस हैं उस पर उनकी परफॉर्मेंस ना आए, फिर मेरे ख्याल से ये ट्रेंड अच्छा सेट नहीं हुआ कि आप पहले रिटायरमेंट ले लो और उसके बाद आप लीग में अच्छा परफॉर्म करो फिर वापस आ जाओ। इस तरह तो हर कोई अपनी आसानी से मतलब के फैसले करेगा। लेकिन अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ऑफकोर्स अब मोहम्मद नवाज़ का जो पत्ता है वो कट गया, वैसे भी वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पा रहे थे, उनको काफ़ी चांसेस मिले थे। और इसके बाद अब उसामा मीर, शादाब खान जो हैं वो मेन स्पिनर्स हैं। सो अब अगर हम देखेंगे तो ऑफकोर्स उसामा मीर को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि शादाब ने तो वैसे ही ये टाइटल जीत लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड का और वैसे भी एक्सपीरियंस है उनके पास। तो इमाद वसीम बिल्कुल टीम का हिस्सा बनेंगे वर्ल्ड कप की इसी शर्त पर, वो वापस भी आए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइम अयूब को देखें तो उनकी सूरत में वैसे ही नई बॉल का अच्छा बॉलर हमारे पास मौजूद है, वो भी नई बॉल अच्छी कर लेते हैं, तो क्या एडजस्टमेंट होगी और क्या हिसाब किताब बनेगा? अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो बिल्कुल इमाद वसीम की वापसी अच्छी है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं इसको अग्री नहीं करती हूँ। बहुत से जो इमाद के फैंस हैं उनसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जो हम बात करते हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए करते हैं, बल्कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जो क्रिकेट के लिए अच्छा हो वो हम बात करते हैं। और अगर हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म में ये जो फैसला है ये मैं नहीं समझती कि ये काबिले तहसीन है या ये फ्रूटफुल हो सकता है। तो जी अब हम क्या करते हैं, अब आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं। सो अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाय।